प्रभास के आदि पुरुष को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है। अब फिल्म 16 जून को बिना किसी परेशानी के रिलीज हो सकती है। जी हाँ, आदि पुरुष को सेंसर करके सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है, क्योंकि प्रभास की फिल्म को सेंसर बोर्ड वालों ने देख ली है और इसे एक सूटेबल नंबर से पास भी कर दिया है। तो फिर गौर से सुनते जाइए कि फिल्म को लेकर कमेटी के मेंबर्स का कैसा रुख और रिव्यू रहा है। देखिए, देश में बनने वाली सभी फिल्मों को रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अब आदि पुरुष को भी सेंसर बोर्ड वालों का भी साथ मिल गया है। वो साथ ऐसे मिला है क्योंकि प्रभास की फिल्म को सेंसर बोर्ड ने देखने के बाद दिया है US सर्टिफिकेट और इस फिल्म की ड्यूरेशन करीब 3 घंटे की है। दरअसल प्रभास की रामायण पर बेस्ड फिल्म को सेंसर बोर्ड वालों के पास भेजा गया था एक सही रिव्यू के लिए, ताकि फिल्म में जो भी कुछ सेंटिमेंट को हर्ट करने वाला हो या फिर किसी के दिल को दुखाने वाला हो तो उस सीन को फिल्म से रिमूव किया जा सके, क्योंकि फिल्म माइथोलॉजी पर बेस्ड है और इस फिल्म को लेकर पहले ही बवाल हो चुका है। ऐसे में जब फिल्म सेंसर बोर्ड के पास भेजी गई तब फिल्म को कमेटी मेंबर्स ने बड़े ही तसल्ली से आराम से देखा, लिहाजा वेडनेसडे को यानी कि 7 जून को सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है और फिल्म को और कोई नहीं बल्कि सीधा US सर्टिफिकेट दिया गया है। इसी के साथ ये भी समझिए कि फिल्म को जो US सर्टिफिकेट दिया गया है उसका मतलब साफ है कि इस फिल्म को बच्चे से लेकर बड़े तक देख सकते हैं। इस फिल्म को देखने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है, यानी कि अब आदि पुरुष को 16 जून के दिन दर्शक भारी मात्रा में मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, सेंसर बोर्ड से मिले इस रिव्यू में ये भी साफ कर दिया गया है कि फिल्म का ड्यूरेशन कितना है। जी हाँ, थिएटर में आप पूरे 179 मिनट यानी कि 2 घंटे 59 मिनट तक एंटरटेन होने वाले हैं। लेकिन आदि पुरुष को लेकर कंट्रोवर्सी तो पहले से ही थी। इसको लेकर PIL भी डाला गया था ताकि सेंसर बोर्ड इसे बारीकी से देखे और फिल्म को फिर सर्टिफिकेट दे और जो भी सीन अजीब लगे उन्हें फिल्म से रिमूव कर दिया जाए। इस लिहाज से अब जो सेंसर बोर्ड का रुख रिव्यू आया है उससे साफ होता है कि बोर्ड वालों ने फिल्म को बारीकी से देख भी लिया है और उन्हें फिल्म पसंद भी आई है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि श्रीराम और रावण की लड़ाई को दर्शक कितना पसंद करते हैं और प्रभास कृति सैफ राम सीता और रावण के किरदार में कितना जस्टिस कर पाते हैं, ये भी देखने वाली बात रहेगी। खैर, आप बताइए फिल्म आदि पुरुष को सेंसर बोर्ड से मिले US सर्टिफिकेट पर आपका क्या कहना है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।